छात्रों, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से विशेषण। यह व्याकरण हम देख रहे हैं। देखिए, विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। विशेष जानकारी देने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर परिभाषा दी है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक यहाँ पर परिच्छेद दिया है, उस परिच्छेद के द्वारा हम विशेषण शब्दों की पहचान कराते हैं। इसके पहले देखिए, विशेषण और विशेष्य ऐसे दो शब्द रहते हैं। आपको बताया जाता है कि इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है और विशेष्य शब्द कौन सा है, इसकी पहचान आपको कराने के लिए कहते हैं। पर देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है, और जो शब्द विशेषता बता रहा है, जो शब्द विशेषता बता रहा है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो चलो देखते हैं इसमें से विशेषण कौन सा है और विशेष्य शब्द कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आज परिच्छेद में देखिए, आज माधव का जन्मदिन है, वह 11 साल का हो गया है। उसका भाई सार्थक रंग बिरंगे गुब्बारे व झालर लगाकर पार्टी की तैयारी कर रहा है। उसकी माँ स्वादिष्ट भोजन बना रही हैं। देखिए, यहाँ पर एक परिच्छेद है और इसमें बहुत सारे विशेषण वाले शब्द भी आए हैं। देखते हैं विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, आज माधव का जन्मदिन है, इसमें कोई भी विशेषण शब्द नहीं है। वह 11 साल का हो गया, वह 11 साल का हो गया। यहाँ पर एक संख्यावाचक शब्द आया है, 11। कितने साल का हो गया है वो? 11 साल का हो गया है। तो यहाँ पर वह है, वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम का यहाँ पर विशेषता बताई गई है। कितने साल का हो गया है वह? तो 11 साल का। तो यहाँ पर 11 शब्द विशेषण बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि कितने साल का हो गया है, वह 11 साल का हो गया। उसका भाई सार्थक रंग बिरंगे गुब्बारे व झालर लगाकर पार्टी की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? गुब्बारे कैसे हैं? रंग बिरंगे। देखिए, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, रंग के बारे में जानकारी देने वाले शब्द है। रंग बिरंगे गुब्बारे व झालर लगाकर पार्टी की तैयारी कर रहा है। उसकी माँ स्वादिष्ट भोजन बना रही हैं। भोजन कैसा बना रहा है, बना रही हैं? तो स्वादिष्ट भोजन। देखो, उसकी माँ स्वादिष्ट भोजन बना रही हैं। तो यहाँ पर स्वादिष्ट जो है वह क्या है? विशेषण शब्द है। भोजन कैसा बना है? तो स्वादिष्ट बना है। यहाँ पर देखिए, वह 11 साल का हो गया, 11 यहाँ पर हमें विशेषण मिला। यहाँ पर देखिए, उसका भाई सार्थक रंग बिरंगे गुब्बारे व झालर लगाकर पार्टी की तैयारी कर रहा है। इस वाक्य में हमें रंग बिरंगे शब्द मिला। गुब्बारे कैसे हैं? रंग बिरंगे, रंग के बारे में जानकारी देने वाला शब्द है। और यहाँ पर उसकी माँ स्वादिष्ट भोजन बना रही हैं। यहाँ पर स्वादिष्ट शब्द जो है वह स्वाद के बारे में जानकारी देने वाला शब्द है। तो यहाँ पर शब्दों में अलगता है, विशेषण शब्दों में अलगता है। यहाँ पर देखिए, भोजन की जानकारी देने वाला शब्द स्वादिष्ट है, तो भोजन क्या हुआ? विशेष्य। यहाँ पर विशेष्य शब्द हुआ भोजन, यहाँ पर विशेष्य शब्द हुआ गुब्बारे, और यहाँ पर वह सर्वनाम है ना, सर्वनाम, वह यह सर्वनाम है। इसके बारे में यह शब्द जानकारी दे रहा है। वह कितने साल का है? तो 11 साल का है। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी ये विशेषण वाले शब्द होते हैं ना, वो कभी विशेष्य के पहले आते हैं या फिर विशेष्य के बाद आते हैं। तो उसके पहले कभी कभी पहले आते हैं और कभी कभी उसके बाद ही आते हैं, पर उसको जोड़कर ही आते हैं। इतना याद रखो कि उसके पहले होते हैं या फिर उसके बाद होते हैं, यह विशेषण की पहचान हम कर सकते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर मिले कि वह क्या है, वह विशेष्य है और 11 विशेषण है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशेषण है और गुब्बारे, गुब्बारे क्या है? विशेष्य है। स्वादिष्ट विशेषण है और भोजन विशेष्य है। देखिए, विशेषण और
विशेष्य। विशेषण और विशेष्य। विशेषण यानी जो शब्द जानकारी दे रहा है, संज्ञा सर्वनाम की जानकारी दे रहा है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य यानी जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की जानकारी दे रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी दे रहा है, जिसकी जानकारी दे रहा है उसे विशेष्य कहते हैं। और जिस शब्द से जानकारी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, उसको विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ हुई विशेषण की पहचान। अब उनके भेद के बारे में हम देखते हैं। विशेषण के भेद है, चार भेद है। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के फिर से दो भेद किए जाते हैं, अनिश्चय निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद किए जाते हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इतने भेद हमें अभी देखने हैं। देखो यहाँ पर विशेषण के भेद चार हैं। एक है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर देखो संख्यावाचक विशेषण में फिर से दो भेद किए जाते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद किए जाते हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं। देखो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हम देखते हैं, उसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए गुण, अच्छा, गुण होते हैं अच्छा, होशियार, ऐसे जो गुण होते हैं वो दर्शाने वाले शब्द, दोष, बुरा, बेईमान, कामचोर, ऐसे दोष बताने वाले शब्द। यहाँ पर देखिए रंग, लाल, पीला, नीला, ऐसे जो शब्द रहते हैं रंग बताने वाले वो भी विशेषण कहलाते हैं। और आकार, पतला, बड़ा, चौकोन, त्रिकोण, ऐसे जो शब्द रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रितेश ने लाल टी शर्ट पहनी है, रितेश ने लाल टी शर्ट पहनी है। यहाँ पर जो लाल टी शर्ट कैसी है, तो लाल है, टी शर्ट लाल है, तो यहाँ पर लाल जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। कोयल का स्वर मीठा है, कोयल का स्वर मीठा है, यहाँ पर स्वर कैसा है, मीठा है, तो मीठा शब्द क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। सुनील पतला हो गया, यहाँ पर देखो उसका आकार बताया गया है, आकार कैसा है उसका, पतला, तो सुनील कैसा हो गया, पतला हो गया है। तो यहाँ पर देखो लाल शब्द, मीठा और पतला, यह गुण बताने वाले शब्द है और इसको ही गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर टी शर्ट जो है वो इसका विशेष्य है और लाल यह शब्द विशेषण है, मीठा यह शब्द विशेषण है, यहाँ पर स्वर के बारे में जानकारी दी है तो यह विशेष्य है। पतला कौन है, तो सुनील है, सुनील के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द कौन है, क्या है, तो पतला है, तो पतला यह विशेषण है और सुनील शब्द विशेष्य है। तो यहाँ पर हुई गुणवाचक विशेषण की जानकारी, यह आपको लिख कर लेनी है। छात्रों विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरणों के द्वारा हम संख्यावाचक विशेषण की जानकारी लेते हैं। इसमें दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन उदाहरणों के द्वारा वो भी हम समझ लेंगे। देखिए पहला उदाहरण है, पेड़ पर दो तोते बैठे हैं। यहाँ पर संख्या कौन सी दिख रही है आपको, तो दो, यहाँ पर दो शब्द दिख रहा है, संख्यावाचक शब्द है वो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो एक संख्यावाचक शब्द हमें नजर आएगा तो वही शब्द संख्यावाचक विशेषण का होगा। तो पेड़ पर दो तोते बैठे हैं, यहाँ पर तो
तोते कितने बेटे हैं? दो। तोतों के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला शब्द है वो दो हैं, दो तोते बेटे हैं, तो विशेष्य तोते हैं और विशेषण दो हैं। यह क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। निश्चित हमें पता है, निश्चित जानकारी हमें मिल रही है, तो यह क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर चार किताबें मेज पर रखी हैं, चार किताबें मेज पर रखी है। कितने किताबें रखी हैं? किताबें हैं चार। तो यहाँ पर भी हमें निश्चित संख्या पता चल रही है, इसलिए यह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर तीसरा उदाहरण है, वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे। यहाँ पर लोग हैं पर कितने हैं पता है आपको? नहीं, बहुत सारे। यहाँ पर बहुत सारे, यह क्या होगा? विशेषण होगा। यहाँ बहुत भी है और सारे भी हैं, दो शब्द यहाँ पर आए हैं, तो सारे यह विशेषण है और बहुत उसका क्या होगा? प्रविशेषण, उसका प्रविशेषण होगा। तो बहुत सारे, इससे हमें निश्चित संख्या के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए यह क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर निश्चित है दो उदाहरण और यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हमें मिल गया। रोहित के पास कुछ रुपये होंगे, तो उसके पास रुपये तो है पर कितने हैं वो पता नहीं, इसलिए ये जो कुछ शब्द है वह क्या है? अनिश्चितता का बोध कराता है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए बच्चों यहाँ पर दो उदाहरण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो उदाहरण है। तो यह चार उदाहरण जो है उसको ही संख्यावाचक विशेषण कहा गया है, पर इसके भी दो भेद हैं, इसकी जानकारी आपको लेनी है। देखो अभी यह उदाहरण आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें देखिए इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल अथवा मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन वस्तुओं का, जिन संज्ञा शब्दों सर्वनामों का क्या करता है होता है देखिए, मापतौल अथवा मात्रा उसकी समझ में आती है, मापतौल किया जाता है और मात्रा उनकी संख्या का हमें पता चलता है, उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण है, गीता को 4 लीटर दूध की आवश्यकता है। कितने लीटर दूध की आवश्यकता है? तो 4 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 लीटर, अब यहाँ पर दूध को मापा गया है, उसका वजन किया गया है, उसका लीटर में मापा गया है उसको, इसलिए 4 लीटर यह क्या हुआ? परिमाण। 4 के आगे क्या है? परिमाण लगा है, लीटर यह परिमाण लगाया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 4 लीटर निश्चित हमें पता चल रहा है कि निश्चित ही दूध कितना है? 4 लीटर, हम उसका मापतोल करके दे सकते हैं, इसलिए यह निश्चित संख्या का बोध करा रही है, निश्चित परिमाण दे रहा है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा देखिए, 2 किलो चावल बाजार से ले आओ। देखो हम मापतोल करके 2 किलो ही चावल बाजार से ले आ सकते हैं, इसलिए चावल कितने हैं? 2 किलो। किलो यह परिमाण है, इसलिए 2 किलो यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो यह निश्चित हमें बता रहा है कि कितने चावल लाने हैं, तो 2 किलो, इससे निश्चितता का बोध होता है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर देखिए, मानव कम दूध लाया है, दूध तो मापा तोला जाता है पर यहाँ पर
कम से हमें पता नहीं चल रहा है, निश्चित नहीं है कि कितना दूध लाया है। तो इसीलिए दूध के आगे जो शब्द है कम, कम दूध, दूध तो लाया है पर कम लाया है, इससे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा मिठाई मत खाओ, मिठाई तो माप तो किया जाता है मिठाई का, इसीलिए ज़्यादा यह शब्द क्या हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। देखिए यहाँ पर जो दो उदाहरण है, पहले गीता को 4 लीटर दूध की आवश्यकता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, 4 लीटर से पता चलता है। 2 किलो चावल बाजार से ले आओ, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। मानव कम दूध लाया है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ज़्यादा मिठाई मत खाओ, ज़्यादा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक का विशेषण परिमाण विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर यह पूरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख कर लो। देखो बच्चों, विशेषण का अंतिम भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर, उस गाड़ी में बैठ जाइए, उस गाड़ी में बैठ जाइए, यहाँ पर संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, उस। हमें यहाँ पर सर्वनाम की तरफ ध्यान देना है, सर्वनाम कौन सा है और कौन से शब्द की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी शब्द की विशेषता उस शब्द बता रहा है, तो उस गाड़ी में बैठ जाइए। यहाँ पर गाड़ी शब्द है, संज्ञा शब्द है, और गाड़ी की विशेषता बताने वाला शब्द यह उस शब्द है, उस यह सर्वनाम है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण इसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर, वह आदमी पत्र दे गया, तो आदमी शब्द, यहाँ पर आदमी शब्द की विशेषता बताई गई है कि वह आदमी, इशारा करके वहाँ पर बताया गया है, आदमी की तरफ इशारा करके बताया गया है कि वह आदमी पत्र दे गया। आदमी की विशेषता बताने वाला शब्द यह है, वह है, और वह सर्वनाम शब्द है, और इसीलिए सार्वनामिक विशेषण इसको कहा जाता है। यह फूल बहुत महक रहा है, तो यह क्या आएगा, सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये जो उदाहरण है और इसकी परिभाषा है वो आपके नोटबुक में लिख कर लो। देखिए इस विशेषण, इस व्याकरण में हमने देखा कि विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण और विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ऐसे इनके बारे में हमने अभी देखा। आपको इसको पढ़ना है और आपके नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर हमारा विशेषण, यह व्याकरण समाप्त होता है।